मैं डॉक्टर निकिता मन जनरल ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आज का जो मेरा वीडियो है वो है सेकेंड मॉडलिटी के ऊपर, वो है IFT यानी इंटरफेरेंशियल करंट। तो आप क्लिनिक्स में जाते होंगे, फिजियोथेरेपी क्लिनिक में, वहाँ आपको चार चैनल्स या ब्लू जैसे रेड और ब्लैक कलर की वायर्स वाली एक मशीन दिखती होगी और काफ़ी लोगों ने वो ली भी होगी, जहाँ उनको पेन होता है उसे करंट आता है, तो उसे आम भाषा में लोग करंट वाली थेरेपी भी बोलते हैं। तो आज इस मशीन के बारे में आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी, ये किस प्रिंसिपल में काम करती है और इसका मैकेनिज्म जो है वो कैसा है और हम इसके यूजेस क्या है और इसे कहाँ हमें यूज़ नहीं करना है, यानी कहाँ ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, कुछ अच्छा आप इससे जानेंगे सीखेंगे, तो आप इस वीडियो में अब तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IFT stands for interferential therapy। तो हमारी फिजियोथेरेपी में जो ये मोडालिटीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज, इनको तीन फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया गया है। एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी करंट, लो फ्रीक्वेंसी करंट, और होता है थर्ड मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुकी हूँ, जिसका नाम होता है शॉर्ट वेव डायथेरेपी, वो हाई फ्रीक्वेंसी करंट है। अब हम बात करने वाले हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यानी कि IFT की। तो ये जो है मीडियम फ्रीक्वेंसी कितने रेंज पे होती है, पहले मैं आपको बता दूँ, ये 1000 हर्ट्ज से लेकर 10000 हर्ट्ज के बीच में फॉल करती है। अब जब आप ये मशीन को देखेंगे तो इसमें दो चैनल्स होते हैं, सपोज हम एक कहते हैं चैनल वन और एक को बोलते हैं हम चैनल टू। तो चैनल वन में दो वायर्स पास होते हैं और चैनल टू में से भी दो वायर्स पास होते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी टोटल आपके पास फोर इलेक्ट्रोड्स हो गए, फोर वायर्स हो गए। तो चैनल वन में सपोज हम कहते हैं रेड कलर के वायर्स हैं और चैनल टू में है ब्लैक कलर के वायर्स। तो जब हम किसी भी पेशेंट को जब वो आते हैं और हमें बताते हैं कि यहाँ दर्द है, नी में दर्द है, एंकल में दर्द है, तो हम उस एरिए के आसपास जो है ये चार जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो अप्लाई करते हैं। अब ये चार इलेक्ट्रोड्स हम अप्लाई कैसे करते हैं, तो देखिए चैनल जो वन है जो रेड कलर के वायर्स वाला है वो हमें क्रॉस में लगाना है, यानी ये एक बॉडी का पार्ट हम जैसे ये हम ले लेते हैं तो इसके इधर एक लगेगा और इधर एक लगेगा, यानी इस तरह से हमें एक स्लांटेड लाइन में उसको लगाना है। सिमिलरली हम चैनल टू में जिसमें ब्लैक कलर्स के वायर्स जा रहे हैं उसको भी हम एक यहाँ लगाएंगे एक यहाँ लगाएंगे, यानी वो क्रॉस होगा इनडायरेक्ट, यानी दोनों चैनल्स एक दूसरे से इस तरह से क्रॉस होने चाहिए। तो जब ये क्रॉस होंगे तो जो मैक्सिमम इफेक्ट आएगी वो बीच वाले एरिया में आएगी, तो वहाँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी पेन रिलीफ होगा और वहाँ पर काफ़ी ब्लड फ्लो भी उसका इंक्रीज होगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो है मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, हम जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो ये स्टैंड आउट करती है कि व्हेन टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट इंटरसेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म लो फ्रीक्वेंसी करंट देन इट इज द IFT। यानी जब ये इंटरसेक्ट करती है ये जो दो मीडियम फ्रीक्वेंसीज हैं तो वहाँ पर जो इफेक्ट आती है वो लो फ्रीक्वेंसी करंट की इफेक्ट आती है। यू माइट बी कन्फ्यूज्ड ऐसा कैसे, तो देखिए हमें IFT जो यूज़ करना है वो जनरली हम नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो अब लो फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो बहुत अच्छा होता है नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए, पर हम लो फ्रीक्वेंसी करंट डायरेक्ट क्यों नहीं देते। अगर हमें लो, सबके मन में यही सवाल आता है कि अगर लो फ्रीक्वेंसी करंट ही आपका एम है जो अंदर तक जाए तो आप ये डायरेक्ट लो फ्रीक्वेंसी करंट है ES है वो ही क्यों नहीं देते। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी जितनी हाई फ्रीक्वेंसी का करंट होगा उतनी ही लो स्किन रेजिस्टेंस होगा। यानी अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी करंट आपको दूंगी स्किन पे तो स्किन जो है रेजिस्ट बहुत करेगी, आपको बहुत पेन होगा, आपको अनप्लीजेंट सेंसेशंस आएंगे
और ये क्या है, आपको 10 मिनट्स तक तो रखना ही पड़ता है, 10, 15, 20 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर फिजियोथेरेपिस्ट. तो 10, 15 मिनट्स तक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट अनप्लीजेंट सेंसेशंस, राइट. तो आपको फिर हम क्या करते हैं, ये मशीन जो है मीडियम फ्रीक्वेंसी की बनाई है, जिससे क्या होगा, आपका स्किन का रेजिस्टेंस कम हो जाता है और आपके अंदर जो करंट है वो बहुत अच्छे से डीपली पेनिट्रेट हो जाता है और वहाँ वो इंटरसेक्ट करके लो फ्रीक्वेंसी की आपको इफेक्ट भी दे देता है. तो इससे क्या होगा, आप 10-15 मिनट आराम से करंट ले पाएंगे, आपको इसमें डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा. तो अब इसके हम पैरामीटर्स की बात करते हैं. तो देखिए, इसमें जो पैरामीटर्स हम होते हैं वो होता है बेस, होता है हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, स्वीप, ये सब इसके पैरामीटर्स होते हैं. तो हम उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं. तो इसमें जो ये जो इफेक्ट आता है ना, जो वो जो थर्ड फ्रीक्वेंसी यानी लो फ्रीक्वेंसी जो इवॉल्व होती है, उसको नाम दिया गया है बीट फ्रीक्वेंसी. ओके, तो ये है हमारी बीट फ्रीक्वेंसी जिससे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं पेन रिलीफ में. तो अब हम बात करते हैं कि स्वीप का मोड भी दिया जाता है काफ़ी मशीन में. तो स्वीप क्या होता है, तो देखिए, जब आप ये करंट्स लेते हैं तो आपकी जो नर्व्स हैं, वो मसल्स हैं, वो अडप्ट हो जाती है उस करंट को लेके, तो वो फिर इफेक्ट देना बंद कर देती है. यानी आप एक ही सपोज आपने उस पर 100 हर्ट्स या 150 हर्ट्स का कुछ सेट कर दिया है, तो वो क्या उसी हर्ट्स पे आता रहेगा और फिर एक टाइम के बाद आपकी जो बॉडी है वो अकोमोडेट हो जाती है उस करंट को और फिर वो इफेक्ट देना बंद कर देती है. उसके लिए हमने ऐड किया है स्वीप का बटन. स्वीप इज समथिंग विच एक्चुअली डिफर्स द फ्रीक्वेंसी. तो वो क्या करती है, जैसे आपका बेस फ्रीक्वेंसी चल रहा है उसमें आप स्वीप डालोगे तो वो ऊपर जाएगा, यानी आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करेगा, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का एक करंट आएगा ताकि आपकी स्किन जो है वो अकोमोडेट या उससे हैबिचुएट ना हो. फिर अगेन आपकी बेस फ्रीक्वेंसी चलेगी, अगेन वो स्वीप आपके पास आएगा. तो इस स्वीप के तीन मोड्स होते हैं, एक रेक्टेंगुलर स्वीप होता है, एक जो होता है ट्राइंगल स्वीप होता है और एक होता है ट्रैपेजॉइडल स्वीप. तो मैं इसके बारे में आपको बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं जा रही हूँ बिकॉज इट्स फॉर पेशेंट्स एंड फॉर द फिजियोथेरेपिस्ट. तो मैं चाहती हूँ आपको इस सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ. देखिए, जो ट्राइंगुलर स्वीप है वो हम अक्यूट कंडीशंस में यूज़ करते हैं. अक्यूट मतलब जो रिसेंटली आपको पेन हुआ है, रिसेंटली आपको कोई इंजरी हुई है, तो हम ट्राइंगुलर का स्वीप डाल देते हैं कि भाई ट्राइंगल फॉर्म में आपको करंट जो है उसमें आएगा और दैन विल बी गॉन, अगेन वो आएगा और वो चला जाएगा. ठीक है, से सेकेंड जो है हम बोलते हैं ट्रैपेजॉइडल स्वीप हम ऐड कर सकते हैं. ट्रैपेजॉइडल जो स्वीप है, जो शेप का स्वीप है, वो सब अक्यूट यानी कि बीच अक्यूट जो मतलब 10-15 डेज की जो इंजरी होती है, बीच में 1 मंथ तक की अगर हम इंजरी देखते हैं तो वहाँ हम उसे सब अक्यूट इंजरीज कहते हैं. और जो रेक्टेंगुलर वाला स्वीप है वो है फॉर क्रोनिक कंडीशंस. ओके, क्रोनिक कंडीशंस यानी आपकी कंडीशन काफ़ी पुरानी है, 2 महीने से ज़्यादा आपकी कंडीशंस को हो गया, बैक पेन है, नी पेन है, तो आप इसमें जो है ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर स्वीप दे सकते हैं. सो आई होप आपको भी इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस मशीन के बारे में. फिर हम इसमें इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं. इंटेंसिटी आपने देखा होगा, आपके फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा आपसे पूछते रहते होंगे जब भी आप वो इंक्रीज कर दोगे कि आपको डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा. सो इंटेंसिटी तो आपको आपके कम्फर्ट के हिसाब से ही लेनी है. उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ज़्यादा इंटेंसिटी लोगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, इट्स अकॉर्डिंग टू यू ओनली. सो अब हम बात करते हैं कि इसके क्या इंडिकेशंस है और IFT कहाँ का मतलब अच्छी चीज़ क्या है. देखिए, इसमें जो लो फ्रीक्वेंसी करंट है वो मेन वही इफेक्ट करता है. सो इसमें बर्न होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, मतलब वो काफ़ी कम है, अनलेस एंड अनटिल आपका इलेक्ट्रोड जो है उसमें आपने जेल यूज़ नहीं किया है, आपने आपके इलेक्ट्रोड्स में कुछ प्रॉब्लम है तो तभी वो ऐसा कुछ बर्न्स होते हैं, वरना बर्न्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको अनप्लीजेंट या पेनफुल सेंसेशंस की भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. फिर ये कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए आप इसको
जनरली जो है ये आप देखोगे शायटिका की प्रॉब्लम है, नर्व प्रॉब्लम जो इन्वॉल्व होती है वहाँ वहाँ IFTM देते हैं। जैसे रेडिकुलोपैथी है तो दो यहाँ नेक पे देंगे और दो चैनल्स यहाँ रखेंगे, तो क्या है वो पूरी नर्व को स्टिम्युलेट करता है, नर्व को नरिश करता है और आपको आपके रेडिकुलोपैथी के पेन में काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है। अब ये बात करते हैं कि जो हम बीट फ्रीक्वेंसी है वो अगर हम 100 Hz रखते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है, यानी पेन रिलीफिंग में काफ़ी अच्छी मोडालिटी है। पेन जनरली हमको जो है नर्व्स के थ्रू पेन आता है तो वो नर्व्स को वहाँ स्टिमुलेट करता है बहुत अच्छे लेवल पे, तो आपको बहुत अच्छा पेन रिलीफ मिलता है। और अगर आपको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, मसल्स का मूवमेंट के से आप अगर आपका एम है तो आप पीक फ्रीक्वेंसी को 10 Hz यानी लो 10-50 Hz तक रख सकते हैं, तो वो आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन में, इनरवेटेड मसल्स जो होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं, जिससे आपका ब्लड फ्लो पंपिंग एक्शन आता है, ब्लड फ्लो आता है, तो ब्लड फ्लो आने की वजह से वहाँ स्वेलिंग भी कम होती है, तो ये स्वेलिंग में भी यूज़ होता है। अगर आपको स्वेलिंग है, कॉन्ट्रैक्चर्स हो गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मॉडलिटी है। अब मैं बात करूँगी कि इसको कहाँ नहीं देना है, तो कहाँ नहीं देना है, तो आपको किसी इन्फेक्शन पे नहीं देना है, किसी वूंड ओपन वूंड पे नहीं देना है, प्रेग्नेंट यूट्रस है तो बैक पे, या आपको स्टोमक पे वहाँ कहीं नहीं देना है। मेंस्ट्रुएशन में आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। और किसी भी टाइप का अनरिलायबल अगर पेशेंट है, यानी पेशेंट को थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज है, अनस्टेबल है, तो आप वहाँ अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज वो इंटेंसिटी बताने ना बताने में थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ये है कि कोई आर्टीरियल डिजीज है या एम्बोलाई फॉर्मेशन है, DVT है, वहाँ आपको नहीं देना है, क्योंकि वहाँ क्या है ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वहाँ पर, तो वो जो एम्बोलस है, वो जो गांठ जो छोटी सी आपकी आर्टरीज में हो जाती है, वो फिर एकदम फ्लश आउट होके इधर आर्टरीज में वहाँ फैलने लगती है, तो वहाँ आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स हैं, वहाँ आपको ये IFT जो है वो नहीं देना है। तो आई होप आपको इस मशीन के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और काफ़ी शेयर करिए, क्योंकि बहुत कॉमन मोडालिटी है, बहुत जगह यूज़ होती है, तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में।